हॉलीवुड में आज के टाइम पे जितने भी 80s या फिर 90s के मूवीज़ के रीमेक्स बनते हैं तो वो ज़्यादातर चीज़ी या फिर क्रिंजी लगते हैं, और उसका रीज़न भी वैसा ही है क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है और उस टाइम की स्टोरीज़ भी इस टाइम पे सूट नहीं होती। लेकिन 80s और 90s की कुछ मूवीज़ ऐसी थी जिनकी स्टोरीज टाइमलेस थी, यानी कि कभी भी आप उनका रीमेक बनाओ उसको अगर उस टाइम के हिसाब से आप अडॉप्ट कर लोगे तो वो स्टोरी अपना कमाल दिखा देगी। ऐसे ही एक टाइमलेस क्लासिक मूवी जो कि 1989 में रिलीज हुई थी और काफ़ी सक्सेसफुल और एंटरटेनिंग थी, तो उसका रीमेक आज यानी कि लगभग 35 ईयर्स बाद हॉलीवुड में बना है। और मज़े की बात ये कि ये मूवी को काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट किया गया है मॉडर्न टाइम के हिसाब से और काफ़ी अच्छे से अपग्रेड भी किया गया है, तो इसी वजह से मूवी की एंटरटेनमेंट वैल्यू काफ़ी हाई है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जेक जिलेनहाल की हाल ही में अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई एक्शन मूवी रोड हाउस का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रोड हाउस अभी तक नहीं देखी और इसे देखने का प्लान कर रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मूवी के रिलेटेड कोई भी मेजर स्पॉइलर नहीं दूंगा जो कि आपके मूवी देखने का मजा खराब करे। तो बिना किसी स्पॉइलर के अगर मैं मूवी का पूरा प्रीमाइस दूँ तो ये मूवी हमें स्टोरी बताती है एलवुड डाल्टन नाम के एक फाइटर की, जो कि पहले UFC में था लेकिन फिलहाल उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो अंडरग्राउंड क्लब में फाइटिंग करके अपने पैसे कमाता है और कैसे पैसे अपना गुजारा करता है। और उसकी हालत तो इतनी ही ख़राब दिखाई गई है कि वो एक बार सुसाइड के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर उसे एक जॉब मिल जाता है एक छोटे से गाँव में जहाँ पे उसे एक हाईवे टच रिसोर्ट में बाउंसर का काम करना है। और ये रिसोर्ट फेमस है यहाँ की वायलेंस के लिए, क्योंकि हर रात यहाँ पे बहुत सारे झगड़े बहुत सारा वायलेंस होता है जिसकी वजह से पहले जो बाउंसर थे वो काम छोड़ के जा चुके हैं, तो मजबूरी में ही सही। लेकिन डाल्टन ये काम एक्सेप्ट कर लेता है और अपना बाउंसर का जॉब शुरू कर देता है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि इस रोड हाउस के बारे में उसे सारी चीज़ें नहीं पता कि कैसे वहाँ का लोकल माफिया जो कि वहाँ पर ड्रग्स और बाकी क्राइम्स करता है वो इस रोड हाउस के पीछे है, तो इसी वजह से वो वहाँ पे अपने गुंडे भेजते रहता है और डाल्टन उससे निपटता रहता है। लेकिन फिर मूवी में एंट्री होती है नॉक्स नाम के कैरेक्टर की, जिसे प्ले किया है कॉनर मैकग्रेगर ने, और उसके बाद मूवी के इस मोमेंटम में जो शिफ्ट होता है वो काफ़ी एंटरटेनिंग है देखने में। तो ओवरऑल अगर आप मूवी की स्टोरी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मूवी की स्टोरी टिपिकल 80s मूवी की जैसे है, जैसे कि वह एक वन मैन आर्मी आता है और वो किसी एक छोटे से गाँव या फिर छोटे से ग्रुप को एक बड़े माफिया से बचाता है। तो स्टोरी वाइज यहाँ पे हमें कुछ नया देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो हमें नया देखने को मिलता है वो उसके एग्जीक्यूशन वाइज, क्योंकि स्टोरी को आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट किया गया है जिसकी वजह से मूवी और भी एंटरटेनिंग बनती है। इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है इस मूवी का एक्शन। मूवी का एक्शन टिपिकल UFC और WWE में जो हमें देखने को मिलता है वही है, और अगर आपको UFC और WWE पसंद है तो ये मूवी का एक्शन आपको ज़रूर पसंद आएगा। और इसके बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें कुछ फ्लैशबैक के सीन है जहाँ पे जेक जिलेनहाल का कैरेक्टर डाल्टन को UFC फाइट लड़ते हुए दिखाए गए हैं, वो एक्चुअल UFC पेपरव्यू में शूट किया गया था। लेकिन अगर आप एक रेगुलर UFC फैन हो तो आप ये ज़रूर नोटिस करोगे कि यहाँ का जो भी एक्शन है वो UFC स्टाइल तो है लेकिन थोड़ा सा नर्व डाउन किया है, थोड़ा सा एक्शन को स्लो किया है एज़ कम्पेयर टू जैसे हम UFC रिंग्स में देखते हैं। और ये मेरे ओपिनियन में ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आप एक एक्चुअल UFC फाइट को मूवी में दिखाओगे तो उतना एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, उसे थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए एक्चुअल फाइट्स को थोड़ा सा नर्व डाउन ज़रूर करना पड़ता है। और अगर आप एक हार्डकोर एक्शन फैन हो तो आप ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस करोगे कि मूवी के जितने भी एक्शन सीन्स हैं यानी कि जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन है वो ज़्यादातर CGI से एनहांस किए गए हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जो फाइटिंग कोरियोग्राफी है वो काफ़ी तगड़ी है, लेकिन जब भी कैरेक्टर्स के बीच पंचेस लैंड होते हैं और उसके ऊपर जो कैरेक्टर का रिएक्शन है वो थोड़ा सा CGI ज़रूर लगता है और थोड़ा सा फेक भी लगता है। हालांकि अगर आप रेगुलर व्यूअर हो, एक नॉर्मल एक्शन व्यूअर हो, तो आप ये चीज़ नोटिस भी नहीं करोगे। अगर मैं बात करूँ मूवी के कास्ट और उनके परफॉर्मेंस की, तो मूवी के मेन एक्टर जेक जिलेनहाल ने ये रोल सिर्फ किया नहीं है बल्कि इस रोल को जिया है, क्योंकि उनकी फाइटिंग से लेकर उनकी फिजिक तक सारी चीज़ें बहुत ही ऑथेंटिक लगती है। और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि इस जनरेशन का अगर कोई सबसे अंडररेटेड एक्टर है तो वो जेक जिलेनहाल है, क्योंकि जितनी कमाल की उनकी एक्टिंग रेंज है शायद ही उतना क्रेडिट उसको ऑडियंस या फिर क्रिटिक्स से अभी तक मिला है। और यहाँ तक कि ये बात भी है कि उनका करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस जो कि नाइटक्रॉलर मूवी में आया था उसके लिए उनको ऑस्कर का नॉमिनेशन तक नहीं मिला था, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी मूवी का और एक सरप्राइजिंग कैरेक्टर है नॉक्स, जिसे प्ले करते हैं कॉनर मैकग्रेगर, और ये उनका मूवी डेब्यू है। इससे पहले अगर आपको नहीं पता तो वो फॉर्मर UFC चैंपियन रह चुके हैं, और उनका एक कैरेक्टर है जो मूवी में थोड़ी सी जान लाता है, क्योंकि उस टाइम तक तो मूवी काफ़ी स्लो एंड स्टडी चलती रहती है, लेकिन जैसे ही नॉक्स की एंट्री होती है मूवी अपना करवट बदल लेती है। और कॉनर मैकग्रेगर ने यह कैरेक्टर इतना परफेक्टली प्ले किया है कि कभी कभी आपको डाउट होता है कि ये खुद का कैरेक्टर तो नहीं प्ले कर रहे मूवी में, क्योंकि उनके एंट्री से मूवी के क्लाइमैक्स तक ये कैरेक्टर पूरी तरह से साइको दिखाए गए हैं, और कभी कभी तो डाउट होता है कि इस कैरेक्टर को लिखा ही कॉनर मैकग्रेगर की असल लाइफ से इंस्पायर होके हैं। बाकी अगर बात करें मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और मूवी की सिनेमाटोग्राफी का,
तो मूवी की सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, स्मॉल टाउन की ब्यूटी काफ़ी अच्छे से कैप्चर की गई है, लॉन्ग शॉट हमें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलते हैं। वही दूसरी तरफ बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है, जितने भी फाइट सीन्स के बीच जो बैकग्राउंड म्यूजिक बनता है जिससे वो फाइट सीन डबल एंटरटेनिंग हो जाते हैं। मूवी का टोटल रन टाइम 2 घंटे का है, जो कि एक एक्शन मूवी के लिए काफ़ी कमाल का रन टाइम है। मूवी ज़्यादा बोर नहीं करती, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लगती, लेकिन उसी टाइम पे एंटरटेनिंग भी लगती है। सो फाइनली रोडहाउस मूवी के बारे में मेरा ओवरऑल ओपिनियन यही है कि अगर आप एक सिंपल स्टोरी के साथ कमाल का एक्शन देखना चाहते हो और उतना ही कमाल का परफॉर्मेंस, तो रोड हाउस आपके लिए एक मस्ट वॉच होनी चाहिए। और अगर आप एक कैजुअल व्यूअर भी हो तो इतना तो गारंटी है कि 2 घंटे की ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने रोड हाउस या फिर ओरिजिनल रोड हाउस मूवी देखी है तो कमेंट मुझे ज़रूर बताइए आपके उसके बारे में क्या होगा।